नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्री दंगल ग्रुप से। आज हम पढ़ने वाले हैं अनार के बारे में। अनार को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने केला और नींबू पढ़ लिया है। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हम जो और वीडियोज़ डालेंगे उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। अब पढ़ते हैं हम अनार। अनार को हम पोमग्रेनेट भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम पुनिका ग्रेनेटम होता है और इसका कुल पुनिकेसी होता है। फल का प्रकार ब्लास्टा होता है। उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान है और खाने वाले भाग जिसका खाने योग्य भाग है वह जूसी सीड कोट या फिर एरिल। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनार जोधपुर और जालौर में होती है, यानी अनार का उत्पादन होता है वो जोधपुर और जालौर में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा अनार महाराष्ट्र में होती है। अनार अन्य फलदार पौधों के मुकाबले सूखा सहनशील पौधा है, इसलिए इसे अधिक गर्मी और शुष्क क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। यानी ये एक ऐसा फल है जिसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसको शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये फल पकते समय शुष्क जलवायु व उच्च तापमान से फलों में मिठास बढ़ती है। यानी अनार के जो फल पकते होते हैं, पकने होते हैं, उस समय शुष्क जलवायु और उच्च तापमान हो तो फलों में मिठास ज़्यादा होती है। यानी अनार उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, यानी पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान पर आता है अनार उत्पादन में। और भारत में महाराष्ट्र राज्य अनार उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, यानी भारत के अंदर महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है अनार उत्पादन में। अनार का जूस कुष्ठ रोगियों के लिए लाभदायक होता है, यानी जिनके कुष्ठ रोग होता है वे अनार ज़्यादा खाना चाहिए उनको। इसकी छाल में टैनिन पाया जाता है। अनार में TSH की मात्रा होती है वह 14 से 16 ब्रिक्स के होती है। और अनार में 0.75 से 1.5% तक सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। इसका फल आयरन का अच्छा स्रोत होता है, यानी अनार में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अच्छा होता है। और जंगली अनार को हम दाड़ू कहते हैं, या जो जंगली अनार होते हैं उनको हम दाड़ू के नाम से भी जानते हैं। अनार की भगवा सिंदूरी या भगवा, भगवा का दूसरा नाम है सिंदूरी, ये किस्म इस किस्म का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और अनार की प्रवर्धन यानी अनार में प्रवर्धन कलम या गुट्टी द्वारा किया जाता है। यह प्रवर्धन की विधियां हैं कलम या लेयरिंग। नेक्स्ट आती है दोस्तों जलवायु। अनार के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो अनार के लिए उपयुक्त जलवायु उपोष्ण जलवायु है और उन्नत किस्में हैं जिसे जोधपुर रेड, यह राजस्थान की सूखा सहन किस्म है, जो सूखा सहनशील किस्म है, लेकिन फल फटने की समस्या होती है इस किस्म में। दूसरी किस्म आती है पेपर सेल, यह नरम बीज वाली किस्म है। और भगवा या सिंदूरी जो चमकीला लाल रंग, इसलिए सिंदूरी भी कहते हैं, इसका रंग चमकीला होता है और लाल होता है, इसलिए इसको सिंदूरी भी कहते हैं। और यह निर्यात हेतु उपयुक्त है। भंडारण क्षमता अच्छी होती है इसकी, देरी से पकने वाली होती है और अधिक उत्पादन देने वाली एवं रोगरोधी किस्म है। यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक उगाई जाती है। आगे आती है अम्लीदान, यह गणेश इंटू नन्ना का संकर है, यानी गणेश और नन्ना जो किस्में होती है उनके क्रॉस से इसको बनाया गया है, इसका उत्पादन किया गया है, यह नई किस्म है। अब आते हैं वंडरफुल, यह USA की किस्म है और औसत फलों का वजन सर्वाधिक होता है इसमें। अगली किस्म आती है जालोर सीडलेस, यह सामान्यतया राजस्थान में उगाई जाती है और सूखा सहनशील है तथा क्षारीय भूमि में उपयुक्त होती है। अगली किस्म आती है गणेश, तो गणेश महाराष्ट्र में प्रचलित है और अलांदी किस्म से चयनित की गई है। अगली किस्म आती है कंधारी, और कंधारी विदेशी किस्म है जो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। और अरकता आती है, अरकता प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त होती है। और नेक्स्ट किस्म आती है मरदूला, यह गणेश एवं गुल ए सहाय रेड का संकर है और इसके फल गहरे लाल रंग के होते हैं।
अगली किस्म आती है रूबी, ये IIHR बेंगलोर द्वारा विकसित संकर किस्म है। और लास्ट किस्म आती है ढोलका, यह गुजरात में प्रचलित किस्म है। अब बात करते हैं अनार में प्रवर्धन की, तो अनार में प्रवर्धन बीज व काष्ठ कलम द्वारा किया जाता है। यह जुलाई से अगस्त या रोपण का उपयुक्त समय होता है, यानी प्रवर्धन का उपयुक्त समय वो जुलाई से अगस्त होता है। और गड्ढे का आकार अनार के अंदर होता है 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर, और आपसी दूरी 5 × 5 मीटर होती है। अनार के पौधे में रोपण के 3 वर्ष बाद फल लगने लग जाते हैं। अब देखते हैं बाहर उपचार, तो इसको हम सारणी के रूप में देखते हैं। तो सारणी में पहले आता है नाम, फिर पुष्पन और फलन। तो नाम में इस बाहर का नाम आएगा, पुष्पन में भाई कब होता है पुष्पन, और फलन कब होता है। तो पहला आता है मृग बार, यह इसमें पुष्पन होता है जुलाई से अगस्त तक, और फलन होता है नवंबर से दिसंबर तक इसमें फलन होता है। और दूसरी आती है हस्त बार, यह अक्टूबर से नवंबर तक तो इसमें फलन होता है, और फरवरी से मार्च तक इसमें फलन होता है। अंबे, तीसरी आती है अंबे, तो फरवरी से मार्च तक इसमें पुष्पन होता है, और जुलाई से अगस्त तक इसमें फलन होता है। और राजस्थान के लिए बात की जाए, तो राजस्थान में कम पानी वाले क्षेत्रों में मृग बाहर उपयुक्त होती है। अब इसकी बात करते हैं उपज की, तो उपज पूर्ण विकसित अनार के पौधे से 60 से 120 फल प्राप्त किए जा सकते हैं। और जालोर सीडलेस किस्म सारी भूमि में उगाई जाने वाली किस्म है। अरब क्षेत्रों में प्रचलित ढोल का किस्म इन क्षेत्रों की सबसे बढ़िया किस्म है। अब बात करते हैं अनार में लगने वाले रोगों की, तो इसमें पहला रोग आता है पत्ती दबा रोग, जो सरकोरा स्पोरा तथा ग्लियो स्पोरियम नामक कवक द्वारा होता है। दूसरा रोग आता है फल फटना, इसका प्रमुख कार्य किए इसका कारण होता है विकार, अनियमित सिंचाई, बोरोन की कमी तथा तापक्रम में उतार चढ़ाव, इसके कारण फल फटना रोग होता है। तीसरा रोग आता है बैक्टीरियल ब्लाइट या झुलसा रोग, यह रोग जेंथोमोनास एक्जो नोफोडिस के द्वारा होता है, जो जीवाणु द्वारा होता है, और इसे महाराष्ट्र में तेलिया रोग या नोडल ब्लाइट भी कहते हैं। अब बात करते हैं अनार में लगने वाले कीटों की, तो अनार में अनार की तितली जो वीराकोला आइसोरेटस द्वारा होता है, इसका नियंत्रण फलों को बटर पेपर से ढक देते हैं। और जिब्रेलिक अम्ल 15 से 20 PPM एवं बोरोन 0.2% का छिड़काव करते हैं। राजस्थान में NHM कार्यक्रम या कार्य योजना 2012 द्वारा इंडो इजरायली प्रोजेक्ट के माध्यम से जयपुर ज़िले के बस्सी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनार स्थापित किया जा रहा है, जो राज्य के किसानों को अनार की गुणवत्ता युक्त एवं व्याधि रहित पौधरोपण सामग्री उपलब्ध करवाएंगे, एवं किसानों को उन्नत अनार की खेती हेतु प्रशिक्षण देंगे। यानी राजस्थान में जो NHM कार्यक्रम योजना है 2012 द्वारा इंडो इजरायली प्रोजेक्ट के माध्यम से जयपुर ज़िले के बस्सी में चलाई गई थी, इसका पूरा नाम है NHM का नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।